कहानी उसके सीरियल किलर की जो खाता था इंसानी मांस, नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज। इस अमेरिकी सीरियल किलर ने 20 के दशक में लोगों के बीच ऐसा खौफ पैदा किया जो आज भी लोगों के जहन में है। इस सीरियल किलर पर नेटफ्लिक्स पर भी वेब सीरीज बनी है जो इतिहास में दूसरी सबसे देखी जाने वाली सीरीज है। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अमेरिका के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुर्म की काली दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जो रूह कपा देने वाले क्राइम को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक सीरियल किलर था जेफरी डामर। इस अमेरिकी सीरियल किलर ने 20 के दशकों में लोगों के बीच ऐसा खौफ पैदा किया जो आज भी लोगों के जहन में है। इस सीरियल किलर पर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज भी बनी जो इतिहास में दूसरी सबसे देखी जाने वाली सीरीज है। यह सनकी किलर पहले तो लोगों के साथ कुकर्म करता था, फिर मारकर इंसानी मांस खा जाता था। इसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। कौन है जेफरी डामर और साधारण सा दिखने वाला युवक कैसे जुर्म की काली दुनिया में सबसे खूंखार बन गया? अमेरिकी सीरियल किलर जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता लियोनेस हर्बर्ट एक रिसर्च वैज्ञानिक थे। काम की व्यस्तता के चलते उसके पिता अक्सर बाहर रहते थे और माँ बीमार रहने की वजह से ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। बचपन से ही माँ और पिता की अनदेखी झेलने के बाद जेफरी अकेलापन महसूस करता था, जिस वजह से वह मानसिक तनाव में आ गया। उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई, जिसके बाद वह जुर्म की दुनिया में घुसता गया। जेफरी डामर जब छोटा था तो हमेशा अपने पिता को जानवर की हड्डियां ब्लीच करके अध्ययन करते हुए गौर से देखता था। एक दिन उसने जिज्ञासा के साथ अपने पिता से पूछा कि अगर वो भी उसके साथ इस काम में मदद करे तो अच्छा महसूस करेगा। पिता को लगा कि उसके विज्ञान में दिलचस्पी है। अक्सर काम करते हुए पिता जेफरी को अपने साथ रखते थे, जिसे जेफरी काफी बारीकी से सीखता था। फिर उसे बड़े कीड़ों और जानवरों की हड्डियां रखने का शौक शुरू हुआ। घर के पास एक झोपड़ी में वह गिलहरी, तितली समेत कई जानवरों के कंकाल संभाल कर रखता था। जानवरों की हड्डियां रखने का शौक जेफरी को पागलपन की तरफ ले जाने लगा। किशोर अवस्था में पहुंचते ही वह जानवरों को मारकर उनकी हड्डियां जमा करने लगा। 18 साल की उम्र में उसने पहली बार इंसान का कत्ल किया। उसका पहला शिकार स्टीवन हक्स था। पहले उसने दोस्ती की, फिर एक दिन घर बुलाकर बियर पिलाई। जब स्टीवन घर जाने की जिद करने लगा तो उसने सिर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। सबके कपड़े उतारे और हस्तमैथुन किया। इसके बाद सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कानूनी दस्तावेजों के अनुसार उस पर 17 युवकों की हत्या कर उनके टुकड़े करने का आरोप साबित हुआ था। गे बार और बस स्टॉप से ढूंढता था शिकार। जेफरी को बचपन में ही पता लग गया था कि वह समलैंगिक है, इसलिए युवकों को मारने से पहले वह कुकर्म करता था। उसके बाद मारकर सब के टुकड़े टुकड़े कर देता था। वह अपना शिकार गे बार और बस स्टॉप से खोजता था। उसका शिकार अक्सर 14 साल तक के किशोर होते थे। इस बीच उसे जिज्ञासा हुई कि इंसानी मांस खाया जाए। उसने ऐसे ही किया। वह अपनी झोपड़ी में इंसानी मांस को पकाकर भी खाने लगा। इतना ही नहीं, वह जानवरों के साथ इंसानी कंकाल को भी संरक्षित करने लगा। जेफरी डामर को अजीबोगरीब शौक थे। वह सबके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, फिर सबके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देता था। इतना ही नहीं, उसे हर शिकार के प्राइवेट पार्ट, सिर या कोई अंग रखने का शौक था। हीनियस क्राइम के मामले में जेफरी ने कई खतरनाक वारदातें की। उसने एक बार एक जिंदा लड़के के सिर में छेद कर उसमें एसिड भर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वह सेना में भी रहा, जहां उस पर 3 लोगों से यौन शोषण करने का आरोप भी लगा। वह वारदात के वक्त फोटो भी खींचता था और इस बात का भी ध्यान रखता था कि कोई सबूत न छूट जाए। 17 फरवरी 1992 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में 3 साल रहने के बाद उसकी जेल में ही हत्या कर दी गई। इस तरह दुनिया के खूंखार सीरियल किलर का अंत हुआ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।